subscribe to the channel by pressing the red like button and do not forget to press the bell hello guys welcome to my channel sky 62 and ncert math solution में हम क्लास सेवन का वाली वो एक दशमलव दो, दो का क्वेश्चन नंबर पाँच देखने वाले हैं ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच ठीक है यहाँ पर दिया है किस पूर्णांक में माइनस एक का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है यानी कौन सा पूर्णांक है कि माइनस वन में और गुणा करते हैं तो इतना प्राप्त होगा ठीक है चलिए इसको हम हल करके देखते हैं तो इसको हम क्या करते हैं बीस गुना माइनस एक लिख देंगे तो गुना करेंगे ठीक है तो बीस एगम बीस यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस बीस यानी कि माइनस बीस जो है उसमें अगर हम माइनस वन से गुना करते हैं तो हमारा क्या आएगा बीस आएगा ठीक है वैसे ही इसको भी हम हल करना है ची डी एस करते हैं तो माइनस पैंतालीस गुना माइनस एक ठीक है चलिए को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस होगा तो प्लस को हम लोग लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका पैंतालीस से कम पैंतालीस यानी कि प्लस में पैंतालीस होगा आपका और इसमें माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा माइनस में पैंतालीस होगा अब यहाँ पे कह रहा है कि किस में हम माइनस वन से अगर इसमें गुना करते हैं तो जीरो गुना माइनस वन तो आपको पता है कि किसी भी अंक में जीरो से गुना करने पर आपका गुणनफल क्या आता है जीरो आता है ठीक है तो यह आपका आंसर यहाँ पे हो गया यह आपका आंसर यहाँ पे और यह आपका आंसर यहाँ पे ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक ठीक है तो एक दिया हुआ है जैसे एक दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें माइनस वन से गुना करना है ठीक है तो माइनस वन से गुना करेंगे हम तो क्या होगा चलिए तो एक गुना माइनस एक देखिए तो कितना आएगा आपका प्लस माइनस माइनस यानी माइनस में एक होगा तो माइनस माइनस प्लस आपका यहाँ पे आंसर आएगा ठीक है ठेके? इसको हल करते हैं तो वैसे ही होगा माइनस पचास गुना माइनस 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 क्या होगा आपका प्लस होगा तो प्लस पचास यानी कि आपका पचास आंसर होगा फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स में ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम लोग तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है कि माइनस चार गुना जीरो बराबर जीरो के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णाकों गुण धनात्मक पूर्णांक होता है ठीक है हम लोग इसमें कोई भी उदाहरण लेकर बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो ऋण पूर्णांग को लेना है चलिए यहाँ पे हम कोई उदाहरण लेते हैं जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं यहाँ पे हम माइनस पाँच फिर मल्टीप्लाई में माइनस पाँच देखिए दोनों को माइनस माइनस का होता है आपका प्लस होता है होगा ना तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पचास पच्चीस पचास पच्चीस देखिए यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह आ गया प्लस का क्योंकि माइनस माइनस का होता है आपका प्लस होता है वैसे ही हम दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और करके ले सकते हैं यहाँ पे जैसे कि माइनस सिक्स गुना माइनस थ्री ले लीजिए ठीक है तो का अट्ठारह माइनस माइनस प्लस कहा जा रहा था कि दो ऋण पूर्णांकों गुणांक धनात्मक पूर्णांक होता है यह हमको दर्शाना है तो देखिए यहाँ पे दर्शा देंगे दोनों ऋण पूर्णांक है अगर गुना कर रहा है तो क्या आ रहा है आपका धनात्मक पूर्णांक आ रहा है ठीक है यहाँ पे भी वैसे ही है छः गुना तीन देखिए दोनों माइनस में है तो प्लस में आपका आ गया ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा ले हेलो गाइज एस के वाई सिक्स टू टेंथ एन सी आर टी मैथ सोल्यूशन में क्लास सेवेंथ का हम देखेंगे प्रश्नाली एक दशमलव दो ठीक है जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन देखने वाले हैं सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए इसको हमको हल करना है ठीक है तो कैसे हल करते हैं उसको हम देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है एक नंबर में आपका देखिए देखिए इसमें हमको सात से पाँच गुना से से में गुना करना है फिर प्लस का चिन्ह है फिर सात से माइनस सात से ग्यारह में गुनाह करना है ठीक है और दोनों को जोड़ना है तो इसको हम कैसे हल करते हैं उसको देखेंगे देखिए दिखे? दोनों में आपका सेवन कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं दोनों में से सेवन को बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस सेवन आपका क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा फाइव फिर प्लस ग्यारह ठीक है चलिए तो माइनस सात हो गया ग्यारह पाँच सोलह अब तो और आसान हो गया यहाँ पे प्लस का चिन्ह यहाँ पर माइनस प्लस माइनस सब होता है माइनस सोलह सतह सोलह पचासी सोलह सौ छियानवे और सोलह सतह एक सौ बारह सोलह का टेबल आपको याद होगा तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं सोलह सतह एक सौ बारह ठीक है यही आपका आंसर होगा अब यहाँ पे देखिए इसमें छः सौ पचहत्तर है माइनस पाँच फिर माइनस है पाँच है फिर छः सौ पचहत्तर है इसमें छः सौ पचहत्तर इसमें कॉमन है इसमें भी कॉमन है ठीक है मगर यहाँ पे आपका पाँच माइनस में है तो माइनस इस सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ठीक है तो हम क्या करते हैं बड़ा वाला संख्या को बाहर निकाल देते हैं तो छः सौ पचहत्तर हम क्या हैं बाहर निकाल दिए ठीक है ठेके? तो यहाँ पे गुना में बच गया आपका देखिए <coughs> माइनस पाँच और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस तो यहाँ पर बच जाएगा आपको प्लस पाँच ठीक है क्योंकि वहाँ पे आपका छः सौ पचहत्तर निकालते हैं तो माइनस में ऑन बचता है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं क्या कि एक प्लस में है और एक माइनस में है तो पाँच में से अगर आप पाँच घटाते हैं तो कितना होगा आपका देखिए यहाँ पर प्लस में है यहाँ पर माइनस में है तो पाँच में से पाँच में घटाएगा तो कितना होगा माइनस में आपका सॉरी पाँच में से पाँच घटाइएगा तो आपका कितना होगा जीरो हम अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी संख्या में जीरो से अगर आप भाग करते हैं तो आपका क्या होता है जीरो तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा जीरो ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है देखिए इसको घटाना है पहले हमको ठीक है इसको हम घटा सकते हैं अगर इसको कहा जा रहा है कि विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए बनाना है तो इसको हम विभिन्न गुणों का उपयोग करके भी बना सकते हैं कैसे बन सकता है देखिए यहाँ पे जैसे इसको हम गुना करते हैं इसमें तो कितना होगा आठ गुना पचास फिर माइनस हो जाएगा आठ सौ के बत्तीस ठीक है हो गया फिर यहाँ पे देखिए आठ पाँच चालीस चार सौ हो गया माइनस आठ दो सोलह के छः हासिल लगा एक आठ तीन का चौबीस एक पच्चीस अब इसको हम सिर्फ घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है देखिए यहाँ पे घटा देते हैं हम दस में से छः हो गया तो चार इस यहाँ से लिया है नौ होगा नौ में से पाँच गया तो चार यहाँ पे तीन बचा तीन में से दो गया तो एक आपका एक सौ चवालीस आंसर आएगा ठीक है क्योंकि यह वितरण नियम से हमको किया गया है बांटा गया है इसको फिर यहाँ पे देखिए वही चीज़ है यहाँ पे भी करना है हमको तो यहाँ पे हमको कैसे बनाना है इसको देखना है तो यहाँ पे देखिएगा आप यह हुआ है इस हमको इसको सुविधाजनक गुना कैसे करते हैं इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पाँचों के बीस तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा आपका ठीक है और यहाँ पर सत्ताईस है तो गुना कर डाल दिए हम सत्ताईस ठीक है अब सताईस दुनिया कितना होता है चौवन होता है तो चौवन एक जीरो तक जीरो डाल देंगे यहाँ पर माइनस डाल देंगे प्लस माइनस माइनस होता है आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ये आपका आंसर आ गया फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है अब इसको इतना बड़ा है तो आप सोचते होंगे इसको हम कैसे गुना करेंगे ठीक है तो क्या करते हैं ये देखिए अंठानवे है तो आपका सौ के नज़दीक है है ना तो इसको हम क्या करते है? कि 9, 8, 7, multiply, 100 -2 हैं।, हैं कि नाइन एट सेवन मल्टीप्लाई हंड्रेड माइनस टू लिख देते हैं यानी कि अगर सौ में से दो घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका अंठानबे हो जाएगा नहीं तो अन्ठानबे हो जा रहा है तो हम क्या करते हैं इसमें से अब देखिए कैसे हल होता है एक बार इससे गुना करेंगे तो नाइन एट सेवन गुना हंड्रेड हो जाएगा फिर माइनस इससे गुना करेंगे नाइन एट सेवन गुना टू हो जाएगा ठीक है तो ऐसे करते हैं आप गुना करते, करते हैं तो एक से इसमें गुना करें तो यही संख्या हो जाएगा हमारा डबल जीरो डाल दीजिए माइनस दो सौ के ये दो सौ चौदह के चार हाथ में लगा एक दो अठ सोलह एक सत्रह के सात हाथ में लगा एक नौ अठारह एक उन्नीस इसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं देखिए जीरो में से तो चार नहीं जाएगा ये भी जीरो है ये इसको देगा तो दस होगा ये इसको देगा तो दस हो जाएगा यह हो जाएगा नौ दस में से चार गया, गया चार तो छः नौ में से सात गया तो दो यह भाई चाहे छः छः में से तो नौ में ही घटेगा ले हँसिल तो सोलह में से नौ घटा कर कितना जाएगा सात ये सात हो गया सात में से नौ भी सात में से तो एक चला जाएगा सात में से एक नुण नुण, तो गया तो छः और नौ का नौ ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे यहाँ पर भी देखिए क्या दिया हुआ है सत्तावन इसमें भी माइनस में, में है इसमें क्या है प्लस में है ठीक है तो हम गुना करके यहाँ पे हम उसको प्लस घटाव कर सकते हैं इसीलिए गुना करते हैं आप देखिए एक चीज़ और इसमें दिए हुआ है माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा सन्तावन ठीक है माइनस में है गुना माइनस उन्नीस और प्लस में क्या है आपका संतावन ठीक है ठीके? तो गुना में सबसे पहले एक आप सोच रहे होंगे कि इसको इसको हम काट सकते हैं ठीक है काटेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा इसलिए कि यहाँ पर गुना में दिया हुआ है तो गुना के काम हम लोग पहले करते हैं ठीक है तो चलिए गुना काम करते हैं उन्नीस अब देखिए यहाँ पे आपको गुना करना है तो शॉर्टकट आपको हम ट्रिक बताते हैं कैसे गुना करना है देखिए सात नवा तेरह शट के तीन हाथ में लगा छः ठीक है उसके बाद से फिर ऐसे कीजिए सात एक्म सात लिख दीजिए फिर यहाँ पे पाँच नवा पैंतालीस सबको जोड़ दीजिए ठीक है सात पाँच बारह छः अठारह के आठ हाथ में लगा एक चार एक पाँच तो अंठावन हुआ तो अंठावन का कितना लिखागा आठ कितना बचा कैरी पाँच हो गया ठीक है अब इससे गुना करते हैं नजदीक से नजदीक तो पाँच एक पाँच और पाँच कितना हो जाएगा आपका दस यानी कि माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस और फिर यहाँ पे प्लस में क्या दिया हुआ है आपका संतावन अब देखिए दोनों प्लस में आएगा कि नहीं आ गया अब इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं साथ दस के जीरो हाथ पे लगा हाथ तो में लगा आपका एक ठीक है आठ पाँच तेरह एक चौदह के चार हाथ तो में लगा एक ठीक है तो एक है जीरो है तो एक डाल देंगे यहाँ पे ग्यारह ग्यारह सौ चालीस आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ठीक है और कमेंट बॉक्स में आप हमेशा